वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स और हम उसी के टॉपिक के बेस पे हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं आज 4.2। क्वेश्चन नंबर 8, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 111 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। देखिए, काफी बच्चों के लिए एक्सरसाइज थोड़ी टफ होती है। चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स में अगर किसी टॉपिक पे कंसंट्रेट करने की अगर जरूरत है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए और रिवीजन होनी चाहिए आपकी। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू शो करनी है ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। 111 ए बी सी इनमें हम क्या करते हैं, हमारा क्या प्रोसीजर होता है, किसी भी रो या कॉलम में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स का यूज करके हम मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जीरो बनाते हैं। ज्यादा से ज्यादा इस डिटरमिनेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने हैं। ज्यादा से ज्यादा जीरो बनाने का ये फायदा है, फिर हम एक्सटेंड करेंगे हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स का यूज करके। इसके लिए सबसे पहला स्टेप आपका है, किसी रो या कॉलम में से अगर कोई कॉमन एलिमेंट आ जाए तो वो कॉमन ले लो आप, ठीक है। कोई कॉमन नहीं आ रहा हमारा R1 से या C1 या C3, किसी से भी कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। फिर अगर एलिमेंट, फिर देखें आप, एलिमेंट 11 है रो या कॉलम के। अगर रो या कॉलम के हमारे एलिमेंट 11 है, वेल डन। अगर हमारे रो के एलिमेंट 11 है तो आप दो जीरो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कॉलम ऑपरेशन ये यूज करें, C2 गोज टू C3 माइनस C1 फॉर एलिमेंट्स यूनिटी इन एनी रो। अगर किसी भी रो में हमारे एलिमेंट्स 11 है तो आप कॉलम का यूज करेंगे ऑपरेशन। अगर ध्यान दें, अगर एक साथ सपोज मान लो आपने ये ऑपरेशन यूज किया C2 माइनस C1 कॉलम का, ठीक है, C1, अब C2 अफेक्टेड हो चुकी है, C2 में इफेक्ट हो चुका है, तो अब C2 का यूज नहीं करना। जो हमने प्रॉपर्टी 6 की थी, वो जो ऑपरेशन है आपको याद होगा, Ri गोज टू Ri प्लस के Rj या Ci गोज टू Ci प्लस के Cj, याद है, मैं रो का ले लेता हूं। अगर आप इस टाइप के ऑपरेशन यूज करेंगे, एक साथ दो ऑपरेशन यूज करेंगे, मान लो आपने यूज किया R2 गोज टू R2 माइनस R1, R2 फैक्टेड हो चुकी है, अब R2 का आपने यूज नहीं करना, ठीक है, R2 का यूज नहीं करना। इसलिए आपको मैं बता रहा हूं, बेटर है आप किसी भी एक साथ अगर दो ऑपरेशन यूज करते हैं इस तरह के, तो एक ही रो को बाकी की रो में से माइनस कर दें। R1 को माइनस किया है तो R1 को ही माइनस कर दें आप। देखो, या तो R2 को माइनस कर दें R2 और R3 में से, या R3 को माइनस कर दो R1 और R2 में से, ऑटोमेटिक आप देखेंगे जिसमें हमारा अफेक्ट हो चुकी है रो वो यूज ही नहीं होगी, ठीक है। अब इसी तरह से हमारे, अब ध्यान से देखें, अगर हमारे रो के एलिमेंट्स यूनिटी हैं तो किसी भी कॉलम को बाकी के कॉलम में से माइनस कर दो। मैंने C2 में से और C3 में से माइनस कर दिया C1 को। अगर आपने C2 को माइनस कर दिया तो गलत हो जाएगा, अगर क्योंकि C2 में तो इफेक्ट हो चुका है, उसको यूज नहीं करना, ठीक है। अगर 4 एलिमेंट्स यूनिटी इन एनी कॉलम, अगर कॉलम के एलिमेंट 11 है तो 3 11 है तो आप 2 0 बना सकते हो। तो कौन से यूज करें ऑपरेशन, किसी भी रो को माइनस कर दो, या तो R2 में से R1 को माइनस कर दो R3 में, या R2 को माइनस कर दो R3 और R1 में से, आपकी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल इस लाइक का ऑपरेशन यूज करें, R3 माइनस R1
आर टू गोज टू आर टू माइनस आर वन। आप देखेंगे जैसे आर थ्री फैक्टर हो चुकी, दोबारा यूज नहीं हो रही, ठीक है। तो किसी भी एक रो को माइनस कर दो बाकी की रो में से। अगर एलिमेंट्स कॉलम के वन वन है तो ये ऑपरेशन यूज करें, अगर एलिमेंट्स हमारे रो के वन वन है तो आप ये ऑपरेशन यूज करें। सी वन को मैंने माइनस किया है, आप सी टू को भी माइनस कर सकते हो या सी थ्री को भी माइनस कर सकते हो। अगर सी टू को माइनस करेंगे तो सी वन और सी थ्री में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिए, देखें इसमें से इसको, ये कॉलम है, इसमें से इसको माइनस जाएगा, इसमें से ये माइनस होगा, कॉलम का ऑपरेशन है। सी टू माइनस रो के एलिमेंट्स वन वन है तो आप कॉलम वाला ये ऑपरेशन यूज करें। सी टू माइनस सी वन, एक साथ दो ऑपरेशन यूज करेंगे, जल्दी हो जाएगा, क्वेश्चन जरूरत है हमें। सी थ्री गोज टू सी थ्री माइनस सी वन, समझ आया। किसी भी, अगर रो के एलिमेंट्स हमारे वन वन है तो आप किसी एक कॉलम को बाकी के कॉलम में से क्या कर दें, माइनस कर दें, ठीक है। ये ऑपरेशन यूज किया। अब ध्यान दें, हम यहां पे इसको इंटरचेंज करके हम जो हमारे रो के एलिमेंट है कॉलम के भी एलिमेंट बना सकते थे। फॉर एग्जांपल ध्यान से देखें, सभी चीजों का आपको पता होना चाहिए, ए बी सी, ए क्यूब, बी क्यूब, सी क्यूब। तो मैं इसको इंटरचेंज कर रहा हूं, वन वन वन, दोनों की वैल्यू सेम होगी, प्रॉपर्टी फर्स्ट थी। अगर हम रो एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो वैल्यू डिटरमाइंड की क्या रहती है, सेम रहती है। देखो जो रो के एलिमेंट थे कॉलम के बन गए ना, अब किसमें से इसको माइनस किया, इसका मतलब ये जीरो बन जाएगा, इसका मतलब आर टू माइनस आर वन, यानी कि कॉलम के एलिमेंट मैंने वन वन बना लिए। तो आप वो ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, आर टू माइनस आर वन और आर थ्री माइनस आर वन, यानी कि किसी भी एक रो को बाकी की रो में से माइनस कर सकते हैं, समझ आ रहा है। अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इंटरचेंज नहीं किया, मैंने एज इट इज ही रखा रो के, अगर रो के एलिमेंट्स वन वन है तो ये ऑपरेशन यूज करें, किसी भी एक कॉलम को बाकी के कॉलम में से क्या करते हैं, माइनस कर दें। तो दिस इज इक्वल टू सी टू माइनस सी वन, ये एज इट इज रहेगा, सी वन में कोई चेंज नहीं है। सी टू माइनस सी वन, देखो C2 कौन सा है, A B B Q माइनस C1, 1 माइनस 1, 1 के कोरस्पोंडिंग 1, B के कोरस्पोंडिंग 1, B3, देखो ये हमारा C2 और ये C1 है, तो इसके कोरस्पोंडिंग ये, इसके कोरस्पोंडिंग ये, इसके कोरस्पोंडिंग ये, ठीक है, समझ में आ रहा है। 1 माइनस 1 जीरो, B माइनस A, B क्यूब माइनस A क्यूब, 1 माइनस 1 जीरो, C माइनस A, C क्यूब माइनस ए क्यूब। अब ध्यान दें, हमारी जीरो आ गई। अब देखो ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इसकी दोनों में इक्वल लिखी है, क्यों लिखी है, आपको मैंने प्रॉपर्टी सिक्स करवाई थी। अगर ऑपरेशन किसी कॉलम में से दूसरे कॉलम को माइनस करें या रो को माइनस करें तो प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट्स की जो वैल्यू है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम है, तो इसलिए हमने कुछ भी नहीं किया, माइनस प्लस कुछ नहीं लगाया, ठीक है। अब अगर हम अभी भी इसको एक्सपेंड करेंगे तो अभी भी हमारी कैलकुलेशन टिपिकल है, टफ है अभी कैलकुलेशन, तो इसलिए थोड़ा और आसान बनाएं इसको। कैसे, वैसे आपका जीरो आने के बाद आप एक्सपेंड कर दें, बट यहां पे अभी भी, अब आपको कैसे पता लगेगा सर हम एक्सपेंड अभी कर दें, तो ये आपकी रिविजन बताएगी। देखो अभी आप एक्सपेंड करेंगे इसको, इससे मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आना तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए 1 0 0 यू कैन राइट a, b माइनस a, c माइनस a, a क्यूब, इसके a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाए, आइडेंटिटी है हमारी, तो b माइनस a, b स्क्वायर, मैं लिखता हूं 0, c माइनस a, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, माइनस है तो प्लस आ जाएगा ab, c क्यूब माइनस a क्यूब, c माइनस a, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, माइनस है तो प्लस आ जाएगा ca। हमने आइडेंटिटी लिख देता हूं मैं, आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो प्लस हो जाता है यहां पे ab। ये हमने आइडेंटिटी यूज की है, ठीक है। अब ध्यान दें,
बी माइनस ए कॉमन आ रहा है, क्या रहा है हमारा बी माइनस ए कॉमन आ रहा है सी टू से, और सी माइनस ए कॉमन आ रहा है हमारा सी थ्री से। और आपको जो मैं कॉमन ले रहा हूं वो यहां पे भी दिखाई देंगे, आ रहा है ना देखो सी माइनस ए आंसर में राइट हैंड साइड, यानी कि मतलब बी माइनस ए, यानी वो तो माइनस कॉमन ले लेंगे हम, टेकिंग कॉमन बी माइनस ए एंड सी माइनस ए फ्रॉम सी टू एंड सी थ्री रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब समझ में आया क्यों लिखा, क्योंकि बी माइनस ए कहां से ले रहे हैं सी टू से, और सी माइनस ए कहां से ले रहे हैं सी थ्री से। देखो मैट्रिक्स में जब हम एलिमेंट कॉमन लेते हैं मैट्रिक्स के अंदर से, वो हर एक एलिमेंट से कॉमन आता है, क्योंकि मल्टीप्लाई भी तो हर एक एलिमेंट से होता है ना, मैट्रिक्स अरेंजमेंट होता है, यहां पे इसकी वैल्यू होती है डिटरमिनेंट की। तो जब भी आप कॉमन लेंगे रो से अलग कॉमन आता है, आर टू से अलग अलग कॉमन आएगा, सभी से कॉमन नहीं आएगा, जैसे सी टू से अलग कॉमन आया है, सी थ्री से अलग कॉमन आया है। तो बी माइनस ए दिस इज इक्वल टू बी माइनस ए सी माइनस ए, वन ए ए क्यू जीरो बी माइनस ए, यहां पे क्या बचा b माइनस ए तो हमने कॉमन ले लिया ना वन, यहां पे क्या बचा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ए बी जीरो वन, c माइनस ए कॉमन आ गया c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c a, ध्यान दें ये कॉमन आ गया हमारे पास। अभी भी थोड़ा और आसान बनाना चाहे आप, देखो वन में से वन ही आ जाएगा, तो यानी कि ये इसमें इसके सामने ये है, इसका मतलब C3 के सामने C2 है, C3 माइनस C2 कर सकते हैं, लेकिन ये माइनस होगा, थोड़ी टिपिकल हो जाएगी आपके लिए, अभी एक्सपेंड कर दो नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर और जीरो बनाना चाहे तो आप और भी जीरो बना सकते हो, अदरवाइज यहीं पे एक्सपेंड कर दे नो प्रॉब्लम, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, जिस रो या कॉलम में ज्यादा से ज्यादा जीरो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है, आप उसी कॉलम या रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे b माइनस ए c माइनस ए वन 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 ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए, और बाकी क्या है जीरो है ना, बाकी हमारा जीरो है, ये क्या b माइनस ए सी माइनस ए इसे मल्टीप्लाई सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस करेंगे सारे माइनस क्यों हो जाएंगे ना, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, दिस इज b माइनस ए सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी ए माइनस ए बी। अब देखो इसको हम करेंगे फैक्टराइज बाय ग्रुपिंग, सी स्क्वायर के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाया, दिस इज आल्सो कॉल्ड फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन करेंगे बी माइनस ए, इसके दो फैक्टर्स बन गए एक सी माइनस बी एक सी प्लस बी, और यहां कॉमन क्या आ गया सी, तो क्या बचा सॉरी ए कॉमन आ रहा है सी माइनस बी, ध्यान दें बी माइनस ए सी माइनस ए, देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है सी माइनस बी कॉमन आ रहा है, c माइनस बी कॉमन आया तो यहां पे क्या बचा c प्लस बी, यहां पे क्या बचा a, ठीक है। अब ध्यान से देखें हमारा आंसर c माइनस ए मैच हो रहा है b माइनस ए, ये आगे पीछे है बस, माइनस कॉमन ले लेंगे हम b माइनस ए में से, माइनस कॉमन ले यहां से ले लो, और माइनस कॉमन क्या करो यहां से ले लो, तो ये क्या बन गया a माइनस बी, c माइनस ए हमें जरूरत है ये एज इट इज है, और यहां से माइनस को मिल गया तो b माइनस सी, ए प्लस बी प्लस सी, कौन सी साइड है राइट हैंड साइड, माइनस का तो पता है ना कॉमन लेना, देखो जैसे माइनस कॉमन लिया तो क्या बना a माइनस बी बना, और c माइनस ए तो है ही, और इसमें से कॉमन लिया माइनस क्या b माइनस सी बना, तो माइनस माइनस क्या बन गए प्लस बन गए ना, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है, माइनस कॉमन लेके दिखाना शो करने की जरूरत नहीं है, दिस इज इक्वल टू ए माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ध्यान से देखें एक बार दोबारा फिर बता देता हूं, अगर आपके रो के एलिमेंट वन वन है
तो किसी भी एक कॉलम को बाकी के कॉलम में से माइनस कर दो। तो जो अगर हमारे पास 3 1 1 है एक साथ रो या कॉलम में, तो 2 0 बना सकते हैं हम एक साथ। अगर रो के एलिमेंट 1 1 है, इसका मतलब इसमें से ये माइनस होगा, तो इसका मतलब कॉलम ऑपरेशन। तो किसी भी कॉलम को रिमेनिंग कॉलम में से माइनस कर दो। अगर कॉलम के एलिमेंट यूनिटी हैं, तो किसी भी रो को बाकी की रो में से क्या कर दो, माइनस कर दे। ओके okay?